जाने माने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को देर रात मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ, मुझे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल ने प्रशासन को इस बात की जानकारी दे दी है। मेरे परिवार के सदस्यों और स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है, लेकिन नतीजों का इंतजार है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि जो कोई लोग बीते 10 दिनों में उनके साथ संपर्क में आए हैं, उन्हें भी अपना कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए। इस बीच भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 8 लाख के पार पहुंच गई है। शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में भारत में 27,114 नए मामले सामने आए हैं, जो किसी भी एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 8,20,916 हो गई है। इनमें से 5,15,386 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले एक दिन में 519 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से 22,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।